खेती कानून रद्द करवाउण दे लई जिथे किसान मजदूर अते आड़ती लगातार संघर्ष कर रहे हन उत्थे राजनीतिक पार्टियां भी किसान दे हक च अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हन जिसके चलदियां मैंबर पार्लीमेंट बीबा हरसिमरत कौर बादल मानसा दौरे ते पहुंचे। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली च चल रहे धरने दौरान जिले के पिंड ख्याली चेहलावाली के किसान धरना सिंह के परिवार के नाल मुलाकात उन्होंने की और परिवार को नगद राशि भेंट करते हुए कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। श्रोमणी अकाली दल हर समय किसानों के नाल हन जिन्हां लई हर कुर्बानी देने लई तैयार ने। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि केंद्र सरकार अपना अड़ियल रवैया छड्ड के किसानां दीआं मंगां पूरियां करे तां जो किसानां दे चल रहे अंदोलन रोकिया जा सके। उत्थे उन्हां ने केंद्र सरकार ते वी जम के नारेबाजी कीती। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वल्लों पद्म भूषण वापस करन ते हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वह हर कुर्बानी देने लई तैयार हन सगो किसानां ते केंद्र वल्लों किते जा रहे अत्याचार नूं ही देखते हुए यह फैसला लिया गया। सांझा कीता की कहना चाहो? बहुत ही दुख होया, बहुत ही अफसोस होया कि अज देखो ये गरीब परिवार के छोटे छोटे लोग किवें अज देश के किसानों के अंदोलन लड़ रहे ने ते अज धन्ना सिंह जी दे घरे पहुंचिया जिन्होंने आपकी जान कुर्बान कर दी इस अंदोलन पिछे ते किवें अपने इस गरीब घर नूं छड़ के अपने बच्चों नूं छड़ के उन्हां दे घर लिया ने उन्हां नूं कहा कि तुसीं जाओ इस अंदोलन में हिस्सा लो। सारिया ने खुशी खुशी उन्हां नूं रवाना किया ते किस इहो जिहे किन्ने सारे परिवार होणगे जिहड़ी किन्नी आसा उम्मीदा लैके कि साडी आवाज़ सुनी जाऊगी, असी एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो साड़ी सरकार साड़ी सुनूगी। तो 7 दिन हो गए उस ठंडे मौसम से 15-20 साल से दिल्ली से सब तो ठंड का समा ये दिन है। 15-20 साल से नहीं सर्दी नहीं पी जिनी अज पई है तो साड़ी मातावां साडे बुजुर्ग साडे बच्चे तो धन्ना सिंह वर्गे साडे 15 भरावां ने आपकी शहादत दी तो वह जिहड़े उत्थे बैठे ने वह भी महान तो घट नहीं जिहड़ा ये सारी चीज़ों का सामना करते हुए लाठियां का वाटर कैनन का अथरू गैसा का की तशद्दत अपनी सरकार करती अपने दे उत्ते। मैनू तो सोच के इस गल की हैरानी होंदी है कि शांतमई अपना हक जिहड़ा हरेक इंसान का बनता है कि तुसीं अपनी आवाज़ उठाओ देश के किसी कोने च जाओ शांतमई तरीके दे नाल जिहड़े जा रहे ने। हरियाणा सरकार ने वड्डे वड्डे पत्थर टोए पट के अथरू दे गैस लठियां दे नाल अपने नूं रोकिया तशद्दत की इन्हां सारिया दे उत्ते ते फिर परचे भी दर्ज इन्हां दे उत्ते कीते गए। इन्हां दा कसूर की सी कि जिहड़ा इन्हां दा बुनियादी हक हैगा कि असीं जिथे मर्जी जाइए शांतमई तरीके ने अपनी आवाज़ उठाइए ये कोई गुनाह सीगा? आज दुनिया भर के सारे लोग इस सरकार की निंदा कर रहे ने। साढ़े 15 भरा शहीद हो गए ने ते 7 दिन निकल गए ने इन्हां नूं गल्लां बातां सुझ रही ने अजय समझ नहीं आई कि किसान की मांग रहे ने। ये औरंगजेब की सरकार हैगी कि अपने दी नहीं सुनती। मैं तो यही बेनती करांगी इन्हां गरीबा परिवारों के हालात आके देखो थोड़े किते हुए करके जिन्हों की जाना गई ने उन्होंने परिवारों को कौन सांभूगा, किसकी जिम्मेवारी बनती है? अज सूबे के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस लड़ाई से अगे होना सीगा ये लोगों इस नौबत च आन नहीं देना सीगा। अज फार्म हाउस से ऐश कर रहे हैं तो गृह मंत्री दे नाल पता नहीं बंद दरवाजे दे पिछे की सौदे करके आए ने। उन्होंने कहा भी संघर्ष नु लेके एक बड़े बादल साहब ने पद्म विभूषण अवार्ड आ जेड़ा वो वापस करन दा ऐलान कीता जी। देखो जिस टाइम तो ये कानूना दी गल शुरू हुई है ते मेरे नोटिस च 15 मई नु मेरे नोटिस च आई है लगातार उस टाइम उस सरकार दा हिस्सा होण दे नाते मैं 2.5 महीने अपना पूरा जोर लाया कि या उन्हां दी गल किसानां नूं समझा सकां ते किसानां दी गल्लां उन्हां नूं मनवा सकां। लेकिन मैनूं उस टाइम जिथे अपने उत्ते मैनूं दुख हुंदा सी कि मेरी नाकामियां भी रही कि मैं अपनी सरकार नूं नहीं समझा सकी ये तो मैनूं हुण 6 महीनों बाद पता लग्गिया जब लखां किसान रेल दे पटरियां 'च बैठे हुए ने 7 दिनां ते ठंड दे बैठे हुए ने लाठियां खा रहे वड़ते इन्हां नूं समझना चाहुंदे ही नहीं हैगे। ते बादल साहब नूं मैं देखिया हैगा कि पिछले 2 महीने चे तो जिहड़े विचलित सीगे लेकिन इन्हां 6-7 दिनां ते जदों तो इन्हां ने टीवी चे वह लाठियां देखियां आंसू दे बुशार देखे धन्ना सिंह वर्गे किसानां बारे पता किन्ने विचलित बादल साहब रहे ने कि उन्हां दी हुण 94 ईयर्स उन्हां दी उम्र हो गई है तो रोज़ मैनूं कहिंदे बेटा मैं भी जाना है तो मैं उन्हां कहिंदी डैडी उत्थे तुसीं नहीं सियासी बंदे हो नहीं चाहते किसानां दा अंदोलन हैगा तुहाडी सेहत नहीं करदी।
वो मैं रोज पूछते ने कि मैं इतने सारी उम्र जनाब मगर मैं लाती थी, आज मैं घरे बैठा मैं की कर रहा। सीएम साहब की जी मीटिंग हुई है मैम, उस ने कहेगा भी मेरे को गल करने कुछ नहीं है, जी पंजाब की अर्थव्यवस्था वो भी प्रभावित हो रही है, भी सरकार को कोई ना कोई हल करना चाहिए, उन्होंने कोई कारण नहीं है भी वो किसी लोट भी हल करवा सकन। चार मीटिंगा होनी है किसान, चौथी मीटिंग जाके उन्होंने अमित शाह ने टाइम दिता है जी की कहना। मैं कैप्टन साहब न कहें जब साल पहले तुम इन्ह कानूनों से अपने दस्तखत करके आए, जब मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी सी उस टाइम काश तुम कागज़ पड़े होंगे जिद उत्ते दस्तखत किए ने। छे मीटिंगा हुई थोड़े वित्त मंत्री होकर आए, थोड़े अफसर होकर आए, तुम सहमति दिती। एक पासे ड्रामा करी जाते हो विधानसभा जे कहें जे लोगों की मंगा नहीं मनाई जाए, मेरा इस्तीफा जेब च चक के मुँह च मार के आना सी, उत्थे पता लगे दुनिया को कि मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिता है। अज ये बल देना है किसानों, तो श्रोमणी अकाली दल तो सिखो इस संघर्ष को बल किवें देंदे, कल्ले गल्लां मार के ड्रामे करके रले मिले हो तुसी, दुख होंदा है कि अज इस उम्र से बादल साहब ने जिहड़ा सब तो वड्डा अवार्ड आउंदा है भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, बेचारे इस उम्र से कहते मेरे को कुछ नहीं है मैं अपनी जान देने तैयार हाँ, तो उन्होंने पद्म विभूषण चक्के भी इन्हों के मुँह से मारिया कि जे मेरे लोगों की नहीं तुम सुन सकते आ किहो जी सरकार जिन्हें लोगों उत्ते हो जा तशद्दत करी जा रहे। सीएम ने ना जी अमित शाह नू सुरक्षा ते आर्थिकता दा हवाला दिता है किसानी अंदोलन लिए, किस तरह देख रहे हो? किन्नी शर्म दी गल है कि एक सूबे दा मुख्यमंत्री अपनी किसानां दी गल करन दे बजाए आज सुरक्षा दे पिछे लुक रहा है। आ ओ किसान हैगे ओ लोकी ने जिन्हां दे पुत्तां ने अज बॉर्डरां च राखी कर रहे ने, आ मेरे हल्के तो ही बहादुर शेर सी जिन्हें हुण चीन च लड़ाई हुई सी ते पंजा पंजा दसा दसा नू कट्ठे एक साडे शेर ने खत्म करता सीगा। आओ लोकी ने जिहड़े एक पासे देश की रक्षा करते दूजे पासे आम दाते जिहड़ा दे दुनिया का ढिड भरते ने, ते कैप्टन साहब नू सुरक्षा की गल हो रही है? सुरक्षा छड्डो, साडा पंजाब ही काफ़ी अपने दुश्मनों नू निबड़ लूगा। कैप्टन साहब तुसीं अपना फर्ज अदा करो, ये झूठिया खोखलियां गल्लां दे मगर तुसीं एक गिद्दड़ की तरह उन्हों तो कैप्टन घुमांदे हो, थोड़ा शेर वर्गे बनो। जिस कौम की तुसीं नुमाइंदगी कर रहे हो, जिस सूबे की तुसीं नुमाइंदगी कर रहे हो, घट तो घट उहदा तां लाज लिहाज रखो। मानसा तो गुरजीत सिंह संधू दी रिपोर्ट। फगवाड़े सिंह ट्रॉनिक ने मोबाइलों की दुनिया विच कीता धमाका, कोई भी नवा फोन खरीदो ते नाल ले जाओ दूजा फोन फ्री। इत्थे ऑनलाइन नालों भी मिल रहे ने सस्ते फोन, सांझ टीवी दे दर्शकां लई निकलणगे कई वड्डे नाम। नाल ही सैकेंड हैंड फोन खरीदो ते पसंद ना आउण ते 7 दिनां विच वापस करके नवा लै जाओ। ग्राहक का समा बचाते हुए सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर की जाती है मोबाइल की रिपेयर, फिर देर किस गल की, अज ही पहुंचो सिंगट्रॉनिक मोबाइल्स गैजेट्स एंड मोर गुरु हरगोविंद नगर फगवाड़ा। वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो 98141 0824 98552 22000।